नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। दिवाली का त्योहार खत्म होने के बाद ही छठ पूजा का इंतजार होता है। इस साल 29 अक्टूबर से छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। यह पर्व 4 दिनों का होता है। इसे मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में मनाया जाता है। यह पर्व का उपवास काफी ज्यादा कठिन माना जाता है। व्रती लगातार 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं। ऐसे में इस दौरान व्रत करने वालों को अपना विशेष ध्यान रखना होता है। आइए जानते हैं छठ के व्रत में कैसे अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। गर्मी से रहे दूर। छठ पूजा में व्रत कर रहे लोगों को एनर्जेटिक रहने के लिए गर्मी और धूप से बचने की जरूरत होती है। कोशिश करें कि व्रत के दौरान धूप में बार बार ना निकले, इससे आपको काफी ज्यादा प्यास लग सकती है। इसके साथ ही अधिक शारीरिक परिश्रम करने से बचें, ताकि आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहे। कम से कम बोले। अधिक बोलने से प्यास अधिक लगती है, साथ ही गला भी काफी ज्यादा सूखता है। स्थिति से बचने के लिए कम से कम बोलें। खास तौर पर अगर आप छठ का उपवास कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कम बोलें। इससे थकान नहीं होगी, साथ ही कमजोरी का एहसास भी कम होगा। बर्फ से करें चेहरे और गले की सिकाई। लंबे समय तक व्रत रखने से काफी ज्यादा प्यास लगने लगती है। स्थिति से बचने के लिए आप आइस क्यूब की मदद ले सकते हैं। इसके लिए एक साफ कपड़े में बर्फ का टुकड़ा बांध लें। इसके बाद इसे अपनी गर्दन और चेहरे पर लगाएं। इससे शरीर में ब्लड बैलेंस को आराम मिलेगा, साथ ही आपको प्यास कम लगेगी। इतना ही नहीं, ऐसा करने से आप एनर्जेटिक भी रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।